नमस्कार मित्रों, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट पे मैं गिरीश बिलोरे आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करने भी आया हूँ। थंबनेल पर दिए गए विषय की चर्चा के साथ साथ आपकी कृतज्ञता भी व्यक्त करनी थी, आपके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी थी, आपको थैंक्स कहना था। मित्रों, मेरे चैनल को आपका समर्थन मिल रहा है। मित्रों, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यह एक रहस्यात्मक विषय है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ना ही इसे लेकर किसी भी तरह की धारणा पालना है, और ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। मैं सिर्फ अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करने आया हूँ। उन दिनों मेरी उम्र बहुत कम थी, शायद 8 वर्ष का रहा होगा। मेरे पिताजी सिंगरौली कटनी रेलवे प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट में जिसे SKP कहा जाता है, सिंगरौली कटनी रेल प्रोजेक्ट, वहाँ पर सरई ग्राम जो सिंगरौली के पहले और व्यवहारी नाम के स्टेशन के बाद पड़ता था, पोस्टेड थे। हम सब मलेरिया से ग्रस्त हो गए, पूरे परिवार के लोगों को मलेरिया हो गया था। हम दो भाई, दोनों बहनें, दोनों को मलेरिया, बस पिताजी और माताजी को इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी। एक रात मैंने देखा कि मैं अपने जो जंगला कहलाता है ना, वेंटिलेशन के लिए जो खिड़की के ऊपर बनाया जाता है, वहां से नीचे का पूरा दृश्य देख रहा हूँ, और उस दृश्य में मैं स्वयं को, अपने भाइयों को देख रहा हूँ। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरी माँ मेरे सिर पर दूध पानी की पट्टी रख रही है। मैं यह भी देख रहा हूँ, लेकिन वह ऐसी स्थिति थी जब मुझे ना तो ताप महसूस हो रहा था और ना ही मुझे गर्मी लग रही थी, ना ही किसी तरह की बेचैनी हो रही थी। जब मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, उसके पहले जितना बुखार के कारण तकलीफ होती है वो महसूस अवश्य की थी, लेकिन जैसे ही मेरी चेतना शरीर से बाहर हुई, तत्काल मुझे सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। मित्रों, ये घटना मैंने अपने परिवार को शेयर की, लेकिन किसी को भी भरोसा नहीं हुआ, और मुझे भी लगा कि शायद मैं स्वप्न देख रहा हूँ, सपने में ही ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं। फिर कुछ देर बाद मैंने अपने आप को अपने शरीर में महसूस किया, और फिर वही गर्मी, वही तपन, वही सरदर्द। क्लोरोक्वीन का डोज हम लोगों को दिया जा चुका था, कुछ देर में स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई। ये वो दौर था जब डॉक्टर तुरंत फीवर को नहीं उतारते थे। उनका ये मानना था कि अगर बुखार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर के जो प्रतिरोधी फैक्टर्स हैं, जो प्रतिरोधी रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो जीवाणु हैं, वो उस वायरस से या वायरल जो बैक्टीरिया से लड़ रहे हैं। तो ये पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इसे ना तो हमने बहुत गंभीरता से लिया, मामला छोटी सी उम्र का भी था। तो मित्रों, ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस के बाद एक बार फिर
ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस 17 या 16 अप्रैल 2023 को हुआ। मेरे लंग्स में, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे लंग्स में कैंसर है, और उस कैंसर से बचने के लिए मेरे उस लंग्स को काट दिया गया है। एक लंग्स पे काम चल रहा है। 18 तारीख को मेरा ऑपरेशन होना था, उसके पहले जांच हुई। जांच होने के बाद मैं अपने आप को जांच के दौरान बेहोश पाता हूँ। मुझे यह महसूस होता है कि मैं शरीर के बाहर हूँ। मैं वो सब कुछ घटनाएं महसूस कर रहा हूँ जो आसपास घट रही है। मुझे जांच के लिए शायद एनेस्थेसिया दिया हो, कह नहीं सकता क्या किया था। मैंने भाइयों से पूछा कि जांच किस तरह से हुई, तो वे भी अभी तक उन्होंने नहीं बताया। इसके बाद ऑपरेशन के तीसरे दिन की बात है, डॉक्टर संकेत साहब मेरे पास आए, और उसी समय, उसके कुछ समय पहले मैंने अपने भाइयों से ये कहा, आप लोग जाइए, खाना खाइए, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपने आप को फिट और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे क्या करेंगे? तो हमने कहा, पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, ना मुझे पानी चाहिए ना कुछ चाहिए, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं घंटी दबा के जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल, उसको बुलवा लें। डॉक्टर संकेत शाह साहब से, ये ग्लोबल हॉस्पिटल की घटनाएं हैं दोनों, डॉक्टर संकेत शाह जी से मैं बात करता रहा काफ़ी देर तक, और मैंने जानना चाहा मुझे हुआ क्या था, और मेरे जो फेफड़ा है उसमें जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया क्या। उन्होंने कहा, हाँ सॉल्व हो गया, थोड़ा सा टुकड़ा निकाला है आपके फेफड़े का। बाद में मुझे पता चला कि मुझे फेफड़े का कैंसर था, और फेफड़ा बहुत कम बचा हुआ है, बाकी काट दिया गया है। मित्रों, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि मैं एक सांस लेने में मुझे कठिनाई होती है। मैं एक अच्छा वक्ता हूँ ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, कंटेंट राइटर तो हूँ ही। तो डॉक्टर संकेत शाह ने कहा कि भाई आप स्वस्थ हैं, और आपको क्या हुआ था इसकी आपको चिंता नहीं करना है। लगभग वो मेरे साथ 45 से 50 मिनट तक बात करते रहे, और मैंने उनसे ऑफर किया कि आप प्लीज़ बैठ जाइए, लेकिन वो खड़े खड़े मेरी तंदुरुस्ती का जोड़ घटाना लगा रहे थे कि मैं कितनी जल्दी रिकवर हो रहा हूँ। ना तो मुझे मालूम था, और मालूम भी होता मुझे क्या बीमारी है, तो शायद मैं घबराता नहीं, पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हूँ हर स्थिति को महसूस करने के लिए और उसका सामना करने के लिए। तो मित्रों, डॉक्टर के जाने के बाद कुछ देर में मुझे बहुत तेज ठंड लगी, समझ लीजिए मुझे बर्फ की शिला पर लेटा दिया गया हो ऐसा कुछ लगा। तभी मैंने हिम्मत करके जो वहाँ पर सिस्टर हैं उनको बुलाया, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। अब उन्होंने मेरे हाथ पैर देखे, छू के देखा, और मुझे कंबल वगैरह ओढ़ाए, इवन वार्मर भी लेकर आ गए। इसी दौरान मुझे मेरे भाई साहब आते देखे, और मेरे उनसे लास्ट वर्ड थे कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, और ये कह के बाद में पता चला कि मैं अचेत हो गया। वास्तव में मैं अचेत नहीं था, मैं
सारी पैरामेडिकल टीम को देख रहा था और जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनको भी देख रहा था, महसूस कर रहा था, उनकी आवाज़ सुन रहा था। लेकिन जब मैं ये सब कुछ महसूस कर रहा था या उनकी आवाज़ सुन रहा था, तब मेरे बड़े भाई साहब हरीश भैया आँखों में आंसू लिए हुए खड़े थे। कुछ लोग मेरा हाथ पकड़ के नब्ज़ खोज रहे थे, चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये घटनाक्रम लगभग 5-6 मिनट का था। मुझे फिर उस वक्त किसी भी तरह की ना तो ठंड लग रही थी, ना बहुत गर्मी या फीवर जैसा कोई माहौल में समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल सामान्य सा था। मैं ये भी देख रहा था कि लोग मेरे शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। ये घटना आज भी मुझे याद आ जाती है। मित्रों, अवचेतन चेतना जो है, अवचेतन जो हमारी चेतना शक्ति है, जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, जो फिजिकल काफ़ी प्रेशर आ जाता है, दर्द होता है, तो हम अचेत हो जाते हैं और हम यानी हमारा प्राण जो है शरीर के बाहर निकल आता है और मौजूद रहता है शरीर के। ये मेरा अनुभव है। वैज्ञानिक तौर पे इसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये तीन घटनाएं जो हैं, एक तो सरई ग्राम की, दूसरा ग्लोबल हॉस्पिटल में जो दो घटनाएं घटी, ये बेशक ये सिद्ध करती हैं कि प्राण नाम की कोई चीज है। संभवतः मेरे विचार वैज्ञानिक तथ्यों से विपरीत हों, परंतु यह व्यक्तिगत और तथ्यात्मक विचार हैं। आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो में प्रयुक्त स्पर्श संगीत सितारवादी का अनुष्का सोनी के सौजन्य से प्राप्त हुआ है और टेक्निकल सपोर्ट हमें मिला है इंजीनियर सिद्धार्थ गौतम से।